अक्सर ऐसा होता है कि किसी महिला को प्रेगनेंसी तो रुक जाती है, लेकिन आगे जाकर के शुरुआती दिनों में ही वो ख़राब हो जाती है। या फिर कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनका एग फर्टिलाइज होता है लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। पीरियड्स मिस होते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद ही उनके पीरियड्स आ जाते हैं, और इससे उनके माइंड में और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि ये प्रेगनेंसी रुकी थी या नहीं रुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे हार्मोन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बिना आप चाहे कोई भी टिप फॉलो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो वो ख़राब हो जाएगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि महिलाओं के शरीर में बनता है, और अगर ये हार्मोन पूरी तरीके से ना बने या फिर इसकी मात्रा कम हो तो प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती है, और अगर हो भी जाएगी तो आगे चल करके कुछ ही दिनों में वो अपने आप ही ख़राब हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि महिलाओं को कंसीव करने के लिए तैयार करता है, साथ ही साथ जब वो महिलाएं कंसीव कर जाती हैं तो पूरे 9 महीने तक उनके गर्भ में पल रहे शिशु को भी वो सुरक्षित रखता है। दोस्तों, जब किसी महिला के पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास उसका ओवुलेशन पीरियड होता है, और ओवुलेशन पीरियड के दौरान उसकी जो ओवरी होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करती है बच्चेदानी की ज़रूरत के हिसाब से। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये इस दौरान बच्चेदानी की दीवार को तैयार करने का काम करता है, यानी कि जो बच्चेदानी की दीवार होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको मोटा करने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद जो एग होता है वो सीधा बच्चेदानी में आ जाता है और बच्चेदानी की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, और पूरे 9 महीने तक वहीं पे रहता है, उसी एंडोमेट्रियम से उसको पोषण मिलता है और वहीं पर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो वो महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वो इसलिए कि मान लीजिए अगर उसका एग फर्टिलाइज हो भी जाता है तो जब तक एंडोमेट्रियम की परत सही तरीके से नहीं बनेगी तो फर्टिलाइज होने के बाद वहाँ पर आकर वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए किसी कंडीशन वो इम्प्लांट हो भी जाता है तो कुछ ही दिनों बाद वो अपने आप ही ख़राब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता ही है कि उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी नज़र आते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव भी आता है, लेकिन उसके 2-4-10 दिन बाद ही उनकी जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये उसी चीज़ के लक्षण होते हैं कि उनकी जो है इम्प्लांटेशन फेल हो गया है और प्रेगनेंसी ख़राब हो गई है। इसके अलावा वो महिलाएं जो ये कहती हैं कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ओवुलेशन पे टाइम पे होता है, एग भी रप्चर होता है, हस्बैंड की रिपोर्ट पे ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ऐसा भी होता है कि आपका जो है एग रैप्चर होता है, फर्टिलाइज भी होता है, लेकिन एंडोमेट्रियम सही ना होने की वजह से वो वहाँ पर जाकर के इम्प्लांट नहीं हो पाता है और आपके जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब बात ये आती है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना है, और अगर कम है तो हम उसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेक करने का तरीका है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट से आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन कितना बन रहा है। दूसरी बात ये कि अगर प्रोजेस्टेरोन कम बन रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका होता है मेडिसिन का, जो कि मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार और डॉक्टर की देखरेख में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा उसके नुकसान ज़रूर हो जाएंगे। दूसरा वाला जो तरीका है वो है फूड्स का, डाइट का, वो मैं आप लोगों को ज़रूर कह सकता हूँ, एडवाइस कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आपको अपनी डाइट में विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 तरीके के विटामिन अपने ज़्यादा बढ़ाने हैं आपको अपनी डाइट में, और अगर आपके शरीर में ये दोनों विटामिन सही मात्रा में रहेंगे तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहेगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंसीव करने में, या फिर अगर प्रेगनेंसी बार बार ख़राब हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फूड्स बता रहा हूँ जो कि विटामिन सी और विटामिन बी से भरपूर होते हैं, जैसे कि अमरूद, केला, नींबू, हरी मिर्च, कीवी, लीची, संतरा, अंगूर, आम, आंवला, टमाटर, और इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, चिकन, मीट, अंडे, और जो शाकाहारी लोग हैं वो दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ब्रोकली, पालक,
और ब्राउन राइस, दलिया, ओट्स, फलियां और दालें। इस तरीके की जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपनी डेली डाइट में इनको शामिल करें और बदल बदल के आप इनको लेते रहेंगे अपनी डाइट में, तो आपके शरीर में विटामिन बी और विटामिन सी सही मात्रा में मेंटेन रहेगा और आपको जो है प्रोजेस्टेरोन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ साथ एक खास बात आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके माइंड में स्ट्रेस रहता है तो आप मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों जब माइंड में स्ट्रेस पड़ता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, और जब वो हार्मोन रिलीज़ होता है तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इस बात को माइंड में रखें कि स्ट्रेस कम से कम लें, इससे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए ताकि सब लोगों के पास वीडियो पहुंचे और उनको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। लाइक करना, शेयर करना फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।